let's take more example on rotation okay sorry question the question says z1 z2 z3 and so on up till z6 that are vertices ऑफ ए रेगुलर है विथ सेंटर एट जेड नॉट ठीक है देन प्रूव दैट सिक्स जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिकमा जेड वन स्क्वायर ठीक है ये प्रूव करना ओके okay. तो क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया ये सकन है दिस इज ए पी सी डी ई ठीक है मान लिया ये जेट वन है ये जेट टू है जेट थ्री है दिस इज जेट फोर जेड फाइव से एफ इज जेड सिक्स ठीक है रेगुलर है मतलब क्या है कि सब साइड्स बराबर हैं ठीक है ठीके? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया विल टेक टू इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे ए सी एंड ई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा सिमिलरली मान लिया अगर मैंने लिया टी F एंड पी ये एक दूसरा ही ट्राइंगल होगा ठीक है एंड वापस जो सेंटर होगा जेड नॉट इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ए सी एंड ई ये ठीक है बिल्कुल एक जैसे पॉइंट है ऐसे ही इस सेंटर के रेस्पेक्ट में बी डी एंड एफ एक जैसे पॉइंट है एक जैसे पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि ऑल थ्री पॉइंट्स आर सिमेट्रिकली लोकेटेड तो अगर वो सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो जो ट्राइंगल ए सी ई है विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका जो सेंट्रोइड होगा सर्कम सेंटर होगा सारे जेड नॉट कर देंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो यहाँ से तो हमें फर्स्ट रिलेशन क्या मिला जेड नॉट शुड बी जेड वन प्लस जेड थ्री प्लस जेड फाइव होल डिवाइडेड बाई एक रिलेशन तो ये मिल गया दूसरा रिलेशन क्या मिला सिमिलरली जेड नॉट शुड भी अगर बी डी एफ ट्राइंगल देखे तो जेड टू प्लस जेड फोर प्लस जेड सिक्स होल डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है ये हो गया पहला चीज दूसरा फर्स्ट सेकेंड बिकॉज ट्राइंगल ए सी ई जो है वो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इक्विलेट ट्राइंगल में हमने क्या बोला था कि एक रिज़ल्ट होता है कि वर्टिसेस के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम और उनके दो दो में पेयर लेके प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो बराबर होगा ठीक है तो ये रिज़ल्ट हमने याद रखने के लिए बोला था लास्ट वीडियो यू कैन रेफर तो अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई यू शुड हैव जेड वन स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू सिगमा जेड वन जेड थ्री मतलब जेड वन जेड थ्री जेड थ्री जेड फाइव एंड जेड फाइव जेड वन ये आ जाए ठीक है क्वेश्चन में मेरे को प्रूव क्या करना है कि सिक्स जेड नाट स्क्वायर बराबर जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर ऐसे जेड सिक्स स्क्वायर तक दैट मीन्स मेरे को ये नहीं चाहिए इसकी बजाय मेरे को जेड नाट चाहिए ठीक है तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन थ्री और इक्वेशन वन को स्क्वायर किया तो दैट विल गिव यू नाइन टाइम्स जेड नॉट स्क्वायर इज इक्व टू सिगमा जेड वन स्क्वायर प्लस टू सिगमा जेड वन जेड थ्री ठीक है ए प्लस बी प्लस ई का स्क्वायर कर लिया और कुछ नहीं ठीक है सिमिलरली अगर हमने दो को स्क्वायर किया तो दैट विल गिव यू नाइन जेड नॉट स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्व टू अच्छा ऊपर वाले में इक्वेशन वन में तो तीनों ये ऑड वाले हैं जेड वन जेड थ्री जेड फाइव और जो दूसरे वाला है उसमें तीनों इवन वाले हैं तो जब यहाँ पे मैंने सिग्मा जेड वन स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि जेड वन स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड फाइव स्क्वायर केवल ये तो ऐसे ही दिस इज इक्वस टू अगर मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया तो थ्री तो उधर गया उसका स्क्वायर ये नाइन आ गया जैसे यहाँ पर आया था और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा जेड टू स्क्वायर प्लस जेड फोर स्क्वायर प्लस जेड सिक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड टू जेड फोर प्लस जेड फोर जेड सिक्स प्लस जेड सिक्स जेड टू या क्या ठीक है तो जैसे इक्वेशन थ्री था इक्वलेटर ट्राइंगल के लिए वैसे ही एक इक्वेशन आ जाएगा दूसरे इक्वलेटर ट्राइंगल के लिए तो इन दोनों इक्वेशन को चलो अभी जोड़ दिया तो दिस विल गिव यू 18 और मिला केन स्क्वायर ये जो सिग्मा वन है यहां पे आई एम राइटिंग जेड वन स्क्वायर से लेके जेड सिक्स स्क्वायर तक ऑल द टर्म ये जो लिखा था उसका मतलब केवल तीन टर्म्स ठीक है तो मतलब आई होप आर विद मी ट्वाइस ऑफ ऐसे ही याद आएगा जेड वन जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड फाइव प्लस जेड फाइव जेड वन प्लस ये तो पहले ट्राइंगल की तरफ से जेड टू जेड फोर प्लस जेड फोर जेड सिक्स प्लस जेड सिक्स जेड टू ठीक है इक्विलेटर ट्राइंगल है तो जो रिजल्ट थ्री है उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा दिस विल बी जेड वन स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड फाइव स्क्वायर इक्वेलेटर ट्राइंगल का जो रिजल्ट है और ये तीनों कितना हो जाएगा दिस विल बी जेड टू स्क्वायर प्लस जेड फोर स्क्वायर प्लस जेड सिक्स स्क्वायर तो एक एक बार यहाँ पे आ गया एंड ट्वाइस ऑफ एक एक बार यहाँ पे और आ गया तो टोटल कितनी बार आ गया थ्री टाइम्स तो याद आएगा एट्टीन जेड नॉट स्क्वायर बराबर थ्री टाइम्स सिग्मा जेड वन स्क्वायर थ्री एटीन सिक्स दिस इज सिक्स जेड नॉट स्क्वायर बराबर जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस एंड अपल जेड स्क्वास इज वॉटर सपोज टू प्रूव ठीक है यही प्रूव करना था तो so, फिर हमने ये प्रूव कर दिया ठीक है ओके आई होप दिस इज क्लियर और एक क्वेश्चन देख लिया ठीक है लेट a z1 b z2 c z3 and d z4 are given then find condition if first part ac is पैरल टू बी डी ठीक है मान लिया ये ए लाइन है ये सी लाइन है और ये किसके पैरल है बी डी के कुछ भी ए सी बी डी ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर दोनों कुलीनिय वेक्टर हैं ठीक है तो कंडीशन लिखने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं ये जो वेक्टर हो गया दिस इज जेड वन this is z3 z2 and this is z4 ठीक है तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने लिखा z3 जेड माइनस जेड और z4 फोर माइनस जेड टू ये दोनों वैक्टर कुलीन रहे तो आई से दिस इज लैमडा टाइम दिस तो अगर मैंने केवल इतना लिख के छोड़ दिया तो दिस इज ऑल्सो दिस इज आंसर ये ठीक है वे लैमडा शुड बी रियल सम रियल नंबर तो केवल इतना ही बोल दिया तो भी काफ़ी है ठीक है दूसरा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये ठीक है ऑल्टरनेटिवली इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड टू दिस इज लैम्डा एंड विच इज प्योरली रियल ठीक है अगर प्योरली रियल है तो कोई भी नंबर प्योरली रियल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर आयोटा वाला टर्म नहीं तो जेड़ जेड़ है तो जेड बराबर जेड बार हो गया क्योंकि अगर आयोटा वाला टर्म नहीं है और बार लिया हमने तो थ्री प्लस जीरो एयोटा लिखो चाहे थ्री माइनस जीरो एयोटा लिखो एक ही बात है या ये हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में एज ए कंडीशन भी करा रखा है कि अगर जेड प्योरली रियल है तो जेड विल बी जेड बार तो यहाँ से एफ आई वन के लैमडा पिक्चर में ना आए क्योंकि क्वेश्चन में तो लैमडा डिफाइन ही किया है तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड टू दिस इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो ये नंबर शुड भी इसी का बार दिस शुड भी इसी का होल बार जेड टू का होल बार उसको हम कंडीशन यूज करके जेड थ्री माइनस जेड वन बार अपॉन जेड फोर बार माइनस जेड टू बार ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया ठीक है दिस सेकेंड आंसर आंसर सेकेंड नहीं आंसर तो वही है बट सेकेंड फॉर्म में लिखा गया तो अगर एग्जाम में आता है तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में ऑप्शंस लिखे गए अगर ऑप्शंस में बार वगैरह इन्वॉल्व हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अच्छा अब इसी चीज़ को बोलने का और एक तरीका है वो तरीका क्या है हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन पैरल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो दो तो वैक्टर आएंगे जेड थ्री माइनस जेड वन एंड जेड फोर माइनस जेड टू ये दोनों वैक्टर कुल आएगा ठीक है तो रोटेशन से रोटेशन का हमने एक फॉर्म ये भी लिखा था कि हार्ग्यूमेंट ऑफ फाइनल वैक्टर अपॉन इनिशियल वैक्टर इज़ इक्व टू इंक्लूडेड एंगल ठीक है तो फाइनल वैक्टर और इनिशियल वैक्टर इसमें तो पॉइंट्स तो दिया नहीं है डायग्राम तो बना के दी गए क्वेश्चन में तो मतलब को किसी भी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है तो इसमें तो हमने बस ये बोला जेड फोर जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड टू ये जो दो वैक्टर हैं ये दोनों कुलनियर हैं तो मतलब फाइनल कुछ भी हो इनिशियल कुछ भी हो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की जा एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाते समय रोटेशन से या तो एंगल जीरो आएगा या पाई आएगा ठीक है तो इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया जीरो और पाई देन ऑल्सो वी आर डन दिस इज थर्ड फॉर्म ऑल्टरनेट मतलब आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है एंड ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है अच्छा यहाँ से भी ये इन्फ्लुएंस निकलता है किसी भी इसको अगर मैं इस पूरे रेशियो को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करूँ तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो और पाई तो आर्ग्यूमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज ज़ीरो पाई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा प्योरली रियल होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने बार के बराबर होगा ठीक है तो बिकॉज दिस इज़ प्योरली रियल इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो आई थिंक दिस इज ए गुड टाइम कि हम ये और याद कर लें एक नोट नोट है कि इफ जेड एंड डब्लू दो वेक्टर हैं आर कोलिनियर वेक्टर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओवर डब्लू इज इक्व टू जीरो और पाई ठीक है ये तो रिजल्ट वन हो गया और इसी रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या है कि जेड ओवर डब्लू इज प्योरली रियल या फिर दिस एम्प्लाई जेड इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स डब्लू वेयर लैमडा इज रियल एक ही बात है और इसी को लिखने का तरीका क्या हो गया कि जेड ओवर डब्लू शुड बी जेड बार ओवर डब्लू बार जेड ओवर डब्लू प्योरली रियल है तो जेड बार ओवर डब्लू बार तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अगर हमें किसी भी जोमेट्रिकल डायग्राम में दो कुलीनियर वेक्टर मिल जाएं, तो उनके रेशो को उनके बार के रेशो के बराबर लिख लिया अगर क्वेश्चन में या ऑप्शंस में अगर बार इन्वॉल्व है तो ठीक है सिमिलरली अगर मान लिया इफ जेड एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर वेक्टर ठीक है तो रिजल्ट वन क्या हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओवर डब्लू इज इक्व टू प्लस माइनस पाई बाई टू ठीक है एक तरीका ये हो गया प्योरली इमेजनरी हो गया ठीक है दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर जेड अपॉन डब्ल्यू प्योरली इमेजनरी है तो इट विल बी ऑफ द टाइप आयोटा लैम्डा प्योरली इमेजनिंग नंबर तो ऐसे लिखा जाएगा दैट विल इम्प्लाई जेड को आई कैन राइट ऑन आयोटा लैम्डा ओमेगा ओमेगा नहीं डब्लू वेयर लैमडा इज ए रियल नंबर लैमडा रियल है तभी आई होटा लैमडा प्योरली इमेजनरी हो और तीसरा तरीका क्या है कोई भी नंबर अगर प्योरली इमेजनरी होता है तो उसका बार उसके नेगेटिव के बराबर होता है ये कंडीशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं पहले तो बिकॉज ये नंबर प्योरली इमेजनरी है जेड अपॉन डब्लू तो दिस नंबर शुड बी नेगेटिव ऑफ इट्स बार या फिर जेड ओवर w प्लस जेड बार ओवर w बार शुड बी जीरो ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन दे रखा है और मान लिया ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन दे रखा है वहां पे हमें बहुत सारे वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और हमें दिखाई दिया कि ये दोनों वेक्टर कुलीनियर है तो अगर हमको दिखाई दे ये दोनों वेक्टर कुलीनियर है तो वट आई कैन थिंक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ उन दोनों का रेशो जो भी दो वैक्टर दे रखें उनका रेशो का आर्ग्यूमेंट विल बी जीरो और पाई या तो ऐसे लिख ले और अगर क्वेश्चन में बार वगैरह इन्वॉल्व है तो वट आई डू कि उन दोनों वैक्टर का रेशियो इज इक्वल टू सेम रेशो का बार मतलब उसी रेशो का बार ले लिया और अगर मेरे को दिखाई दे कि ये वैक्टर और ये वैक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का रेशियो प्लस उनके बार का रेशो विल बी जीरो ऐसे याद रखा या फिर आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं जैसे अगर क्वेश्चन में बार वगैरह इन्वॉल्व है तब तो ऐसे तो ही लिखा दोनों वेक्टर का रेशियो प्लस उनके बार का रेशो बराबर जीरो अगर वो परपेंडिकुलर है तो और अगर आर्ग्यूमेंट वगैरह के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो जो राइट डाउन आर्ग्यूमेंट ऑफ रेशो मतलब रेशो किसका दोनों वेक्टर का रेशियो इक्वल्स टू प्लस फाइव आई टू और माइनस फाइव आई टू कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना के दे रखा है तो फिर रोटेट करके आई कैन सी कि फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है उसके हिसाब से एक ही आंसर आ गया तो प्लस फाइव एट होगा या माइनस फाइव एट होगा ठीक है तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको इन दोनों रिजल्ट्स को ऐसे याद रखा ओके okay, तो वे वी चार पॉइंट दे रखे थे और पहले पार्ट में बोला गया कि कंडीशन बताओ इफ ए सी इज पैरेलल टू बी डी ठीक है लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट एंड दैट सेज फाइंड फुट ऑफ पपा निकला फ्रॉम ए टू लाइन बी सी ठीक है मतलब ये मान लिया ए हो गया ये कहीं बी सी होगा जैसे जेड टू इज सी जेड थ्री और इसके ऊपर ये फुट ऑफ का निकालना है ठीक है ये वाला पॉइंट निकालना है तो मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट इज ई एंड विच इज जेड फाइव ठीक है अब ये डायग्राम बना के मेरे को क्या दिखाई दिया ये डायग्राम बनाते ही मेरे को ये समझ में आया कि आई कैन क्रिएट टू वैक्टर्स एक तो ये और एक ये वाला वैक्टर जो आपस में परपेनिकुलर है तो जो जस्ट अभी हमने ऊपर लिखा है कि अगर परपैनिकुलर वैक्टर हमें कोई दो मिल जाए तो उनका रेशो प्लस उनके पार का रेशो विल बी ज़ीरो तो इस हिसाब से वट आई कैन राइट होम एक वैक्टर तो ये लिख दिया जो ये एरो लगा रखा है उसके हिसाब से तो ये वैक्टर विल बी जेड वन माइनस जेड फाइव बट उल्टा एरो लगा लिया अब ये वैक्टर विल बेकम जेड फाइव माइनस जेड वन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ठीक है जेड फाइव माइनस जेड वन एक वेक्टर हो गया अपॉन दूसरा वेक्टर हो गया ये बी सी वैक्टर दैट इज जेड टू माइनस जेड थ्री ये दोनों वेक्टर जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका रेशियो प्लस इनके बार का रेशियो माइनस जेड वन बार अपॉन जेड टू बार माइनस जेड थ्री बार विल बी जीरो ठीक है मेरा एम क्या है मेरा एम है जेड फाइव निकालना फोटो ऑफ पेंडिकुलर निकालने का मतलब क्या है कि जो फोटो ऑफ पेंडिकुलर ई है उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को बताने की क्या है मतलब मेरे को जेड फाइव बताना है इफेक्टिवली ठीक है तो इसमें से ये जो इक्वेशन है इसमें जेड फाइव निकाल लिया ठीक है जेड फाइव कहाँ पर यहाँ पर बट अगर जेड फाइव निकालोगे तो उसमें तो जेड फाइव का बार इन्वॉल्व होगा जेड फाइव इज एन अनोन विच वी आर सपोज टू फाइंड आई कैनॉट राइट आउन आंसर ऑफ एन अनोन इन टर्म्स ऑफ अन ये तो समझ में आता है मतलब अभी आंसर नहीं निकला है और मैं वैसे भी अगर लॉजिकली सोच के देखूँ इस इक्वेशन को लिखते समय मैंने क्या यूज़ किया मैंने बस ये यूज़ किया कि जो ए e है वो बी सी के परपैंडिकुलर है ठीक है तो अगर ई पॉइंट यहाँ पर होता मान लिया या फिर इस लाइन पर कहीं यहाँ होता तभी भी ये सही था उसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें पॉइंट ई e के ग्रस्पणिंग कोई यूनिकनेस नहीं है ऐसे तो इंफानिक पॉइंट्स हैं जिनको अगर ए से ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो बी सी के परपेंडिकुलर आएगा दैट मीन्स ई में कोई दूसरी खूबी भी होनी चाहिए खूबी मीन्स स्पेशलिटी ई में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए अब मैंने देखा कि पॉइंट यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया, यहां पे लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता सभी के लिए परफाइन है तो ई में ऐसा कि ई में ऐसी क्या खासियत है क्या स्पेशलिटी है तो स्पेशलिटी ये है कि जो ई है वो बी सी लाइन पे भी लाई कर रहा है बाकी कोई लाइन बाकी कोई पॉइंट ए ई लाइन पे जो है बाकी कोई भी पॉइंट वो बी सी लाइन पे लाई नहीं कर रहा है ठीक है तो अगर मैंने ये रिलेशन लिख दिया और मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर लिया मैथमेटिकली ट ई लाइज ऑन बी सी तो फिर ई यूनिकली फिक्स हो गया देन फिर उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं जो इन दोनों को समल्टेनियसली सेटिस्फाई कर पाए तो उसका मतलब क्या ई e निकल आना चाहिए अगर यूनिक पॉइंट आ गया तो ठीक है अब ई e जो है वो बी सी पे लाई कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो बी ई वैक्टर है एंड जो बी सी वैक्टर है दोनों कुलनियर वैक्टर है ठीक तो है तो अगर दोनों कुलीनियर वैक्टर हैं तो दोनों वैक्टर का रेशो जेड फाइव माइनस जेड टू ये तो हो गया बी ई वैक्टर और डिनोमिनेटर में वही लिखते हैं जेड टू माइनस जेड थ्री लिखो चाहे जेड थ्री माइनस जेड टू लिखो एक ही बात है बस जो पहला टर्म लिखा है उसके बाद में भी वही टर्म लिखेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा साइन ठीक है ये दो वेक्टर कुलीनियर है ठीक है अगर कुलीनियर है तो फिर ये रेशो प्योरली रियल है जो भी जस्ट हमने ऊपर बताया कि अगर कुलीनियर होगा ये रिजल्ट वन में तो जो भी वेक्टर का रेशो होगा और उनके बार का रेशो होगा वो बराबर होगा या फिर जो वेक्टर का रेशो हो गया और उनके बार का रेशो का डिफरेंस जीरो होगा तो इस हिसाब से ये दोनों वेक्टर कुलीनियर वेक्टर हैं तो दिस वेक्टर माइनस जेड फाइव बार माइनस जेड टू बार इसी का इसी रेशो का एज इट इज बार लिख दिया अपॉन जेड टू बार माइनस जेड थ्री बार दिस शुड बी ज़ीरो तो ये हमारा इक्वेशन वन आ गया ये इक्वेशन टू आ गया मेरा एम है जेड फाइव निकालना वो ये है तो उसके लिए जेड फाइव बार को हटाना ठीक है तो इसको एलिमिनेट करना है मेरे को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कैसे होगा जेड फाइव पार के डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम चीज़ लिखा हुआ है तो अगर जस्ट मैंने इसको जोड़ दिया तो जेड फाइव बार वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो अपने आप और उस इक्वेशन में से जेड फाइव को एक तरफ करो जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आया आफ्टर एडिशन वट एवर यूर गेटिंग यू विल टेक जेड फाइव ऑन वन साइड एंड ऑल द टर्म्स ऑन अदर साइड बस वहाँ से जेड फाइव आ गया मतलब वो आंसर आ गया आई होप दिस इज क्लियर ठीक है अच्छा एक चीज़ और है अभी मैंने यूज़ किया कि बी ई एंड बी सी दोनों कुलीनियर वैक्टर है आई कैन आउंस से स बी ई एंड ई सी कुलीनियर वैक्टर है बिल्कुल कर सकते हैं बट तुम इसको ऐसे सोचो कि मेरे को निकालना क्या है एम क्या है मेरा ई को निकालना है ई इज़ अन नोन तो उसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो आई वुड लाइक कि उस वेरिएबल को मैं मिनिमम जगह पे यूज़ करूँ वरना फिर हर जगह से निकाल के लाना पड़ेगा तो ये तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोला मैंने ठीक है इवन इफ यू आर राइटिंग बी ई एंड ई सी को लीनियर वैक्टर है तो आंसर तो वहां से भी आ जाएगा आपको बट उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन फालतू होगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड ओके थर्ड पॉइंट फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ऑरिजिन ठीक है चलो अच्छा ऑर्थोसेंटर अगर मेरे को मान लिया तीनों वर्टिसेस पता है ये जेड वन है ठीक है ये बी जेड टू हो गया वो कोर्स ऑरिजिन है अगर मेरे को तीनों वर्टिसेस पता है और ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए एक तो हमारे पास फॉर्मला है सिग्मा जेड वन टेन ए अपन सिगमा टेन ए वाला फार्मूला ऑलरेडी डन बट उस फॉर्मूले के बारे में मैंने ये भी बोला था कि वो वाला फॉमला हार्डली कभी यूज़ होगा ठीक है मतलब जब तक मेरे को टेन ए टेन बी टेन सी ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल है वो डायरेक्टली ना दे दिए जाएँ तब तक वो वो फॉमला यूज़ ही नहीं होगा पहला चीज़ दूसरा अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे पास ऑब्जेक्टिव में आया कि फाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगलो ए बी वेयर ओ इज़ ऑरिजिन एंड ऑप्शन में कहीं टेन ए टेनमी सी है ही नहीं ठीक है तो उसका मतलब क्या है कि फिर वो वाला फॉर्मा यूज़ नहीं हो रहा होगा फिर तो हम और किसी मेथड से करेंगे मान मिले ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसमें बार वगैरह इन्वॉल्व है ठीक है बार वगैरह इन्वॉल्व है तो वापस ऑर्थो सेंटर देखते ही हमें क्या फील आना चाहिए कि ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है ऐसे करके और तो सेंटर ये मान लिया एच है और इसके करस्पॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जेड एच है ठीक है।, है तो मेरे को जेड एच निकालना है तो जैसे हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए वैसे मेरे को नाइन्टी नाइनटी एंगल दिखाई दिया जैसे नाइन्टी डिग्री एंगल दिखाई दिया वैसे ही मेरे को रोटेशन याद आना चाहिए ये तो मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ अभी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम रोटेशन यूज़ करेंगे क्योंकि वही टॉपिक पढ़ रहे हैं बट एग्जाम में हो सकता है ना कि क्वेश्चन देख के हमें समझ में आए कि शुरू कहाँ से करें तो जैसे ही मैंने देखा कि नाइन्टी डिग्री ऑप्शनस में बार इन्वॉल्व है बार मतलब कॉन्जुगेट इन्वॉल्व है देन इमीडिएटली रोटेशन शुड स्ट्राइक ठीक है अब रोटेशन कैसे कें ओ ओएच वैक्टर है ओ एच वैक्टर है वो इस ए बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है ये इंफॉर्मेशन यूज़ किया हमने मैथमेटिकली तो ओ एच वैक्टर तो क्या हो जाएगा जेड एच माइनस जीरो तो एक वेक्टर तो ये हो गया जेड एच माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं अपॉन ए बी वैक्टर वो हो गया मान लिया जेड वन माइनस जेड टू वैसे जेड वन माइनस जेड टू विल बी बी ए वैक्टर बट डज नॉट मैटर ये जो दो वैक्टर का रेश लिखा हुआ है ये दोनों वैक्टर म्यूचुअली परपाय निकल रहे अगर ये म्यूचुअली परपाइंड निकल रहे तो ये वैक्टर प्लस इनी का पार जेड वन माइनस जेड टू बार बार शुड बी ज़ीरो फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड एज आई ऑलरेडी सेड इन द लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा करने से जेड एच नहीं निकल सकता क्योंकि ये तो अगर ये पॉइंट लिया उसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा ये पॉइंट लिया उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा तो इसमें ऑर्थोसेंटर की कोई यूनिकनेस नहीं है ठीक है तो उसका मतलब क्या है कि अभी और कुछ भी यूज़ करना पड़ेगा ये तो पहला तरीका हो गया बोलने का दूसरा तरीका हो गया कि अगर इस इक्वेशन से मैंने जेड एच एक तरफ किया तो जो दूसरा साइड है उसमें जेड एच बार इन्वॉल्व होगा एंड विच इज़ नॉट गुड विच के नॉट बी द आंसर कि कोई अन को अननोन के टर्म्स में नहीं लिख सकते ठीक है तो एच में दूसरी खूबी क्या है कि अगर एच को मैंने ए से ज्वाइन किया ठीक है तब ये जो वैक्टर आ रहा है वो फिर इसके ऊपर पैर निकल रहे ओ बी के ये वैक्टर क्या है जेड टू अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया ये ठीक है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया था ये आया था ये यूज करके कि ओ एच पर पैंडिकुलर टू ए बी ठीक है अब हम क्या यूज करें कि एच इज पर पैंडिकुलर टू ओ बी तो एच AH वैक्टर कितना हो जाएगा जेड एच माइनस जेड वन ये तो ए एच वैक्टर हो गया ओ बी वैक्टर कितना हो जाएगा जेड टू ये दोनों वैक्टर भी पर पैंडिकुलर है तो इन दोनों वैक्टर का रेशियो प्लस इसी के बार का रेशियो जेड टू बार बी जीरो ये दूसरा ही क्वेश्चन हो गया ठीक है बस अब सॉल्व हो जाए दोनों जगह से जेड एच मतलब यहाँ से जेड एच बार निकालो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो अपने आप अप करो ये आगे आई एम नॉट सॉल्विंग फिर उसके बाद जो रिलेशन आए उसमें से जेड एच को एक तरफ करो बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ करो अब जो जेड एच आ गया वो यहाँ सर ठीक है अब अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया तो नाउ यू कैन डू मेनी क्वेश्चन योर जैसे मान लिया मैंने बोला कि ट्राइंगल ए है और इसका सरकम सेंटर बताओ तो एक तो सरकम सेंटर का फॉर्मूला है बट उसमें तो साइन टू ए साइन टू भी साइन टू सी इन्वॉल्व होगा तो अगर मेरे आंसर में ऑप्शंस में साइन टू ए साइन टू भी साइन टू सी नहीं है बार वगैरह है तो अगेन क्या होगा रोटेशन अगर सरकम सेंटर मान ली ये के है तो ये कहाँ पे लाई करेगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स पे ठीक है तो ये वाला पॉइंट मान लिया एम वन है ये मान लिया जेड वन है ये जेड टू है ये जेड थ्री है के को मान लिया जेड के है तो एम वन जो हो जाएगा वो होगा जेड टू प्लस जेड थ्री बाई टू तो हमने एक फैक्ट तो ये यूज़ कर लिया कि के एम वन विल बी परपैंडिकुलर टू पी सी ठीक है तो जेड के माइनस दिस अपॉन बी सी विल बी जेड टू मैन जेड जेट थ्री इन दोनों ये जो दो वेक्टर का रेशो है वो प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि मुझे परपैनडिकुलर है तो दिस दिस रेशो प्लस इसी के पार का रेशियो विल बी ज़ीरो एंड सेम चीज़ फिर एक जगह और लगा लिया जैसे के एम टू विल बी परपैंडिकुलर टू ए सी ऐसा करने से एक रिलेशन और आ जाएगा कोई भी दो साइड यूज़ कर सकते हो चाहे ए बी ए सी यूज़ कर लिया चाहे बी सी और ए सी यूज़ कर लिया जो दो रिलेशन आए उसमें से वापस जेड के बार को एलिमिनेट कर दिया जेड के बार को एलिमिनेट कर दिया तो ऐसा करने से जेड के आ जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड ठीक है आई हैव टेकन कपल ऑफ एग्जांपल एंड आई थिंक दिस शुड बी क्लियर ठीक है ओके लेट मी टेक सम अदर सम्पल्स ठीक है क्वेश्चन इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री आर वर्टेज ऑफ एन आईसोसेल एस राइट एंगल ट्राइंगल आईसोसेल एस ट्राइंगल राइट एंगल डेट जेड टू दैन प्रूव करते देते दिस ठीक है उसे उन्होंने कि एक ट्राइंगल है जो आईसोसेल एस है एंड राइट एंगल है ठीक है और आई सोसेल एस कहाँ पे मान लिया मान नहीं लिया क्वेश्चन में दे रखा है जेड टू पे दिस इज जेड थ्री ये नाइन्टी डिग्री ठीक है ओके okay. अब उसने क्या बोला देन प्रूव दैट दिस अब ये वाला चीज आ गया ठीक है इस इस एक्सप्रेशन में कहीं बार नहीं है पहला चीज़ तो इसमें कहीं बार नहीं दिखाई दे रहा तो रोटेशन का एक तो आर्ग्यूमेंट करके लिखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन डब्लू बराबर ऐसे करके दूसरा हमने ऐसे भी किया था कि डायरेक्टली रोटेशन लगा सकते हैं अब क्वेश्चन में क्या रखा कि आइसोलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों बराबर है तो अगर इन दोनों को बराबर देखा तो मेरे को तुरंत क्या क्लिक करेगा कि इस वेक्टर को 90 डिग्री से घुमा लो तो ये वेक्टर आ जाना चाहिए क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है तो ये वेक्टर कितना हो गया जेड थ्री माइनस जेड टू यह कितना हो गया जेड वन माइनस जेड टू सॉरी क्वेश्चन में एग्जैक्ट ओरिएंटेशन तो दे नहीं रखा है तो ये इसके लेफ्ट पे हो सकता है राइट right पे भी हो सकता है उसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा के ये मिल सकता है तो हमने तो अपने सोल्यूशन में दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लिया कि मान लिया जेड वन माइनस जेड टू इज इक्व टू जेड थ्री माइनस जेड टू इस वेक्टर को घुमा लिया ई रेस्ट बाय प्लस माइनस आई पाई बाई टू से पाई बाई टू से घुमा लिया क्लॉकवाइज वाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के बराबर हैं इसलिए मेरे को और कोई फैक्टर नहीं चाहिए केवल रोटेट करने से वो फैक्टर मिल जाएगा ठीक है नाउ दिस इज जेड वन माइनस जेड टू बराबर जेड थ्री माइनस जेड टू इन टू प्लस माइनस आयोटा ई e आयोटा पाओटा फाइव बाई टू होता है वहाँ से ठीक है वापस इसको देखा इसको देखा इसमें कहीं आयोटा ही नहीं है पहला चीज दूसरा इसमें स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं बार नहीं है अगर बार बार होता तो हम क्या बोलते हैं बार वगैरह होता अगर क्वेश्चन में तो हम बोलते हैं इस वेक्टर का रेशो इस वेक्टर का रेशो मतलब सॉरी इन दोनों वेक्टर का रेशो प्लस इनके बार का रेशो बराबर ज़ीरो तो ऐसे भी लिख सकते थे ठीक है बट जो प्रूव करना है उसमें कहीं बार नहीं है इसलिए हमने वो नहीं लिखा हमने तो जो सिंपल रोटेशन है वो अप्लाई किया है अब मेरे को आयोटा नहीं चाहिए और स्क्वायरिंग वगैरह चाहिए तो बहुत ऑब्वियस मेरे दिमाग में क्या आएगा कि स्क्यरिंग कर दो आयोटा खत्म हो जाएगा क्योंकि केवल अयोटा लिखा है तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस टू जेड वन जेड टू बराबर प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर विल बी माइनस वन एंड यहां से आ जाएगा जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस माइनस टू जेड टू जेड थ्री आ गया ठीक है तो जेड टू स्क्वायर और ये भी जेड टू स्क्वायर तो यह जेड वन स्क्वायर प्लस टू जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर बाकी उधर ले गए टू जेड वन जेड टू प्लस टू जेड टू जेड थ्री तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ जेड टू ऑफ जेड वन प्लस जेड थ्री ठीक है तो यह आ गया वेरी सिंपल क्वेश्चन शायद रोटेशन लगाते समय थोड़ा बहुत यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट वाला लगाएं रोटेशन मैंने बोला था दो तीन फॉर्म है आर्ग्यूमेंट वाला लगाएं या फिर सिंपल रोटेशन लगाएं कि फाइनल वैक्टर अपॉन इनिशियल वैक्टर इज इक्वल टू इन्हीं का मॉट फाइनल वैक्टर अपॉन इनिशियल वैक्टर का मॉट इन ई रेस्ट बाई ओटा इन टू डिट एंगल ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि मेरे को ज्योमेट्री पता है या फिर क्वेश्चन में बार वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट जेड वन एंड जेट टू बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ओके वेर अ कोफिशंट पी एंड क्यू में बी कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है लेट ए ए एंड बी रिप्रेजेंट जेड वन जेटू इन द कॉम्प्लेक्स नंबर ओके मान लिया ए है दिस रिप्रजेंट जेड वन एंड मान लिया बी है दिस रिप्रजेंट जेड टू एंड लेट एन मे दिस इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वस टू अल्फा ए ओ बी ये वाला एंगल अल्फा है नॉट इक्वस टू जीरो ऑफकोर्स एंड ओ ए इज इक्व टू ओ बी अच्छा तो इसको थोड़ा और बढ़ा दिया हमने ये दोनों बराबर है वेयर वॉज आवर ऑरिजिन ऑफ कोर्स प्रूव दैट ये ठीक है तो अब जो जो भी उसने बोला उसको हमने मैथमेटिकली लिखना शुरू किया उसने पहले क्या बोला जेड वन एंड जेड टू आर रूट्स ऑफ दिस तो अगर इसके रूट्स हैं जेड वन एंड जेड टू तो वहां से हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं समेशन ऑफ द रूट जेड वन प्लस जेड टू बराबर माइनस एंड जेड वन इंटू जेड टू बराबर क्यू ये दे रखा है ठीक है पहला इन्फॉर्मेशन ये हो गया बाकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन के ये दोनों बराबर हैं बीच में एंगल एल्फा है तो ये वेक्टर जेड वन है ये वेक्टर क्या हो गया है जेड टू तो अगर मैं इसको सिंपली एल्फा से रोटेट कर दूँ तो एक वैक्टर से दूसरा वैक्टर आ जाएगा फेरी सिंपल ठीक है पहला चीज और क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो केवल रोटेट करने से काम चल जाएगा तो इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जेड टू कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम जेड वन बाई रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल अल्फा अब वो जो अल्फा है वो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायग्राम तो मैं बना के नहीं दे रखा तो अगेन मैंने प्लस माइनस आयोटा अल्फा मान लिया ठीक है ओके अब जो मेरे को ये प्रूव करना है बेसिकली यहाँ तक मैंने पहले भी बोला था कि मैथ्स में हम काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग द सोल्यूशन के क्या क्या बोल रहा है सिंपली नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करके ठीक है तो इस वाले केस में जो इसने इन्फॉर्मेशन दिया उसको मैंने मैथमेटिकली लिख लिया अगर इसके आगे मेरे को नहीं पता ना क्या प्रोसीड करना है कैसे प्रोसीड करना है तो तुम तो केवल ये देखो कि मेरे को चाहिए क्या ये चाहिए इसमें ये चाहिए और मेरे पास ये तीन इन्फॉर्मेशन है

एलिमिनेशन के लिए मेरे को वैसे भी पता है कि जितने वेरिएबल होते हैं एलिमिनेट करने के लिए उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए तो अगर जेड वन एंड जेड टू दो वेरिएबल है तो आई रिक्वायर थ्री इक्वेशन टू एलिमिनेट दें बस अगर ये मैंने देख लिया कि जेड वन जेड टू एलिमिनेट करना है तो फिर मेरे को पता लग गया कि कैसे प्रोसीड करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मैं क्या करूँ एलिमिनेट करना है बारी बारी से किया पहले जेड टू उठा के यहाँ रखा यहाँ रखा तो जेड टू चला जाएगा फिर जो दो इक्वेशन आएंगे वहाँ से जेड वन एलिमिनेट कर देंगे तो पहले तो रखा तो ये हो जाएगा जेड वन इंटू जेड टू की जगह जेड वन इंटू ई रेस्ट हुआ प्लस माइनस आई टा अल्फा बराबर क्यू तो यहाँ से आ गया जेड वन स्क्वायर ई रेस्ट हुआ प्लस माइनस आयोटा अल्फा बराबर क्यू फिर एक यहाँ पे रखा तो यहाँ से आ जाएगा जेड वन प्लस जेड वन इंटू ई रेस्टर प्लस माइनस आयोटा एल्फा बराबर माइनस पी ठीक है तो अगर ये कॉमन लिया तो आ गया जेड वन वन प्लस ई रेस्ट व प्लस माइनस है एल्फा बराबर माइनस पी ये ठीक है ये मान लिया मेरा इक्वेशन वन हो गया ये इक्वेशन टू हो गया एंड आई वांट टू गेट रेट ऑफ जेड वन तो यहाँ जेड वन स्क्वायर है यहाँ जेड वन है तो मैंने इसे दिया फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर तो दिस विल इम्प्लाई जेड वन स्क्वायर ई रेस्ट व प्लस माइनस अयोटा एल्फा अपॉन जेड वन स्क्वायर वन प्लस ई रेस्ट पर प्लस माइनस आयोटा एल्फा का स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन पी स्क्वायर ठीक है ये कैंसिल और चलो इसको लिख लिया ऐसे करके ई रेस्ट ऊपर प्लस माइनस एयोटा एल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ से वन प्लस ई रेस्ट पर प्लस माइनस टू आट एल्फा प्लस ई रेस्ट पर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ आईट एल्फा मतलब इसका स्क्वायर तो या गया एंड ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस से यह आ गया बराबर क्यू अपॉन पी स्क्वायर ठीक है दिस विल इंप्लाई यहाँ से मैंने ई रेस्ट पर प्लस माइनस ए ओटा एल्फा कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल कर दिया तो वन अपॉन इसकी वजह e से आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस प्लस आयोटाफा प्लस इसकी वजह से आ जाएगा ई रेस्ट पर प्लस माइनस आयोटाल्फा एंड दिस विल बी टू बराबर क्यू अपॉन पी स्क्वायर ठीक है दिस विल बी फर्दर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन टू ये वाला टू ये टू आ गया प्लस अच्छा यहाँ माइनस लिया यहाँ प्लस लिया या फिर यहाँ प्लस लिया यहाँ माइनस लिया एक ही बात है ये इफेक्टिवली कोई भी साइन का कॉम्बिनेशन ले लो ई रेस्ट वाईट एल्फा प्लस ई रेस्ट वर माइनस एओटे एल्फा लिख के ठीक है तो ई रेस्ट वाईटो एल्फा हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस एयोटा साइनअल्फा एंड ई रेस्ट वर माइनस एओटेल्फा हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस एवोटा साइन एल्फा तो साइन एल्फा वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया कॉस अल्फा वाला पार्ट ऐड हो गया तो दिस बिकम टू कॉस अल्फा। चाहे तो ऐसे ही बोल दिया चाहे ऐसे बोल दिया अगर ये जेड है तो ये जेड बार है तो जेड प्लस जेड बार कितना और रियल पार्ट कितना हो जाएगा कॉसल्फा ठीक है दिस इज दो कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉसल्फा बचा एंड दैट इज टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू तो फाइनली कितना पी स्क्वायर बराबर फोर क्यू कॉसेस स्क्वायर एल्फा बाई टू यह आ गया हमारा आंसर आंसर मतलब जो प्रूव करना था थिंक बिल्कुल फोर क्यू कॉस का अल्फाइट तो हेंू खत्म होंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द आर्गन ब्रेन जेट वन जेट टू जेटिंग वट इज ऑफ एन आईस एल एस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू माने माने रेस्पेक्टिवली है सॉरी एसी इक्वल्स टू बी सी लेट मी अगेन रीमेक नॉट कमिंग प्रॉपरली सी इन्वॉल्व है तो सी यहां पे ले लिया ए यहां पे बी यहाँ पे सी दोनों जगह इन्वॉल्व है तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया ठीक है एंड इक्वल एंगल्स आर थीटा मतलब ए और बी दोनों थीटा एंगल हो गए क्योंकि ये ही दोनों इक्वल होगा इफ जेड फोर इज़ द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल दैन प्रूव दैट दिस ठीक है अच्छा अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि अभी तो इट इज़ वेरी विल यूज रोटेशन बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आता है तो जो मेरे को प्रूव करना है अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि प्रूव कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को तो मैं सब ऑब्जेक्टिव बना सक, बना सकता हूँ तुरंत मतलब मैंने इसका और इसका रेशो पूछ लिया ऑप्शन में दे दिया कॉस्थीटा सेक्तिटा वन प्लस सेक्तिटा वन प्लस कॉस्तीटा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया सारे क्वेश्चन का जितने भी प्रूव करने हैं जैसे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बोला कि प्रूव दैट दिस इसकी बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मेरे को बनाना है या फिर मेरे को मान लें इंटीजियर टाइप बनाना तो है तो आई विल सिंपली आस्क पी स्क्वायर अपॉन क्यू कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू का वैल्यू क्या है तो अगर इंटीजियर टाइप है तो आंसर फोर आ गए या ऑब्जेक्टिव बना सकते तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देख के आई कैनॉट से आई शुड नॉट से राधा कि ये तो आएगा नहीं एग्जाम में ये नहीं आएगा बट उसको मोल्ड करके बना सकते ठीक है हाँ तो वर, वे वर वी आई वॉस सिं अगर क्वेश्चन में एग्जाम uh, में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए पहचानने वाला चीज़ क्या है पहचानने वाला चीज़ ये है कि वैक्टर वैक्टर यहाँ वैक्टर का स्क्वायर तो अगर इस वैक्टर के स्क्वायर को मैं लेफ्ट पे ले जाऊँ तो दिस इज जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड वन इन टू जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड वन दिस आई एम सपोज टू प्रूव वेज वन प्लस सेक्टीटा और ये एक्सप्रेशन दिखाई देते ही मेरे को क्लिक हो जाना चाहिए कि ये तो रोटेशन है दो वेक्टर का देशो ठीक है तो चलो शुरू करते जेड फोर को उसने क्या बोला है इन सेंटर अच्छा अगर सी ए और सी बी बराबर है तो इसका जो परपेंडिकुलर जो इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आएगा ठीक है वो मिड पॉइंट पे आएगा सॉरी सी से जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो मिड पॉइंट पे आएगा क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में तो ए और बी एक जैसे पॉइंट है क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है ऐसे ही जो सेंटर आएगा वो भी इसी लाइन पे आएगा ठीक है तो ये हो गया एंड दिस इज जेड फोर हाँ तो प्रूव करने के लिए मेरे को ये दिखाना है कि दिस इज इक्व टू वन प्लस थीटा तो तुम तो पहले क्या करो सिंपली इन वैक्टर्स के ऊपर रोटेशन लगाओ ठीक है जेड टू माइनस जेड वन जैसे जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड वन अगर इसके ऊपर रोटेशन है तो मैं कैसे लिखूंगा ए सी का रेशो इंटू ई रेस्टो पर आयोटा इंक्लूडेड एंगल ठीक है तो इस डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं दिस इज इजेड वन दिस इज जेड टू दिस इज जेड थ्री तो टू माइनस वन टू माइनस वन मतलब क्या हो गया ए बी फोर माइनस वन फोर माइनस वन मतलब हो गया ये वेक्टर ठीक है तो इन दोनों वैक्टर्स के बीच में इन दोनों वैक्टर्स के सॉरी इन दोनों वैक्टर्स के बीच में क्या एंगल है ये क्वेश्चन में बोला कहता है कि पूरा एंगल थीटा है तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई टू आधा क्यों क्योंकि इन सेंटर को ज्वाइन करें है। अगर हम इन सेंटर को ज्वाइन करें तो इन सेंटर कहाँ पे आता है एंगुलर बाइसेक्टर्स भी आता है तो इसलिए ये भी थीटा बाई टू है ये भी थीटा बाई टू है इसलिए हाँ तो इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया थीटा बाई टू पहला चीज़ दूसरा बस मेरे को ये देखना है कि प्लस लिखना है या माइनस लिखना है तो जेड टू माइनस जेड वन इस डायग्राम के हिसाब से ये वेक्टर हो गया एंड डिनोमिनेटर वाला वेक्टर ये हो गया तो डिनोमिनेटर वाला वेक्टर अगर इनिशियल वेक्टर है तो इधर जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो इसलिए मैंने माइनस के साथ लिख लिया माइनस थीटा बाई ये आ ठीक है दिस इज इक्वल टू जेड ये क्या हो गया जी जेड टू माइनस जेड वन वैक्टर का मॉड मतलब ये हो गया डिस्टेंस ए बी अपॉन जेड फोर माइनस जेड वन मतलब ये हो गया डिस्टेंस ए आई इंटू ई रेस्ट पर माइनस आई होटा थीटा बाई टू तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट होके इतना हो गया अब दूसरा लिखते हैं ठीक है दूसरा क्या है जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड फोर माइनस जेड वन तो पहले तो इसी का मॉड जेड थ्री माइनस जेड वन अच्छा मॉड ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं न्यूमिनेटर को अलग कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग कर दिया या एक ही के अंदर लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से, से दोनों एक ही बातें इन टू ई रेस्ट पर आयोटा फिर इनक्लूडेड in. अब देखो थ्री माइनस वन कौन सा है तो थ्री माइनस वन तो ये वाला वेक्टर हो गया दिस इज थ्री माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में क्या है फोर माइनस वन तो फोर माइनस वन ये वाला वेक्टर हो गया ये इन दोनों के बीच में भी ये एंगल थीटा बाई टू है प्लस डिनोमिनेटर वाला वेक्टर ये वेक्टर है इससे न्यूमरेटर की तरफ जाते समय ऐसे घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सही एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा तो इसलिए प्लस थीटा बाई टू एंड वापस जेड थ्री माइनस जेड वन वैक्टर का मॉड मतलब इस वैक्टर का मॉड विच इज डिस्टेंस ए सी अपॉन ए आई ई रेस्ट पर आयोटा थीटा बाई टू क्वेश्चन में तो मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने भी क्या किया कि ये जो वन इक्वेशन है एंड जो सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया वन इंटू टू विल एम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा जो प्रूव करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दिस इंटू दिस एक्सप्रेशन आ गया राइट हैंड साइड पर क्या होगा ई रेस्ट पर आयोटा थीटा और यहाँ पे था ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा वो मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया और कितना बचा ए बी अपॉन ए आई इंटू ए सी अपॉन ए आई ये मेरे को कैलकुलेट करके बताना है मतलब बताने क्या है कि ये प्रूव करना है कि ये वन प्लस सेक्ट इट है ठीक है तो वेरी क्विकली लेट मी अगेन मेक ए डायग्राम जिस C A B पर पैनिक ड्रॉप किया दिस इज M, इसका एंगुलर बाई दिस इज I, दिस इज थीटा बाय टू अगेन थीटा बाय टू ओके तो ए बी अपॉन ए आई ठीक है ए बी अपॉन ए आई हो गया और एक हो गया ए सी अपॉन ए आई तो ए बी को तो बेसिकली ये जो ए बी है ये तो इसका डबल है ए एम का तो इसको तो मैंने लिख दिया टॉइस ऑफ ए एम अपॉन ए आई ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ए एम अपॉन ए आई जो है ए आई ए और एम ए ये. ये एक राइट एंगल ट्रा में आ गया ठीक है ए सी अपॉन ए आई में क्या है कि ए सी और ए आई ये. ये तो किसी राइट एंगल ट्रा में नहीं आया तो एक तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने ए एम को इन्वॉल्व कर लिया मतलब ऐसे लिख दिया ए सी अपॉन ए एम इंटू ए एम अपॉन ए आई तो ऐसे करने से ये जो ए सी ए सी और एम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया तो डायरेक्टली इसका रेशो लिख सकते हैं और एम अपॉन ए आई तो पहले से लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया एम मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो जो ए सी था वो ये ए सी है ए आई था वो ये ए आई है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब हमारे पास कितना आ गया ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ए आई का स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन ए आई ओके तो एम कितना हो गया बेस हो गया ए आई कितना हो गया है हाइपर हो, हो, हो गया तो बेस अपॉन हाइपर कितना हो जाएगा कॉस बीच में एंगलिस थीटा बाई टू तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे ए सी ये हो गया और ए एम ये हो गया तो ए सी अपॉन ए एम कितना हो जाएगा ये पूरा एंगल इस थीटा तो दिस विल बिकम सेक्क थीटा ठीक थी, है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ओके तो दैट इज सेक् थीटा अच्छा मेरे को प्रूव क्या करना है प्रूव करना है वन प्लस सेक् थीटा ठीक थी, है तो वन प्लस सेक् थीटा के लिए इस टू कॉस्को थीटा बाई टू को मैंने लिख लिया वन प्लस थीटा यहाँ से आ गया इन टू सेक्तिटा तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू सेक्टीटा सेक्टीटा हो गया कॉस थीटा इन सेक्टीटा वन हो गया तो यू गेट वन प्लस सेक्टीटा। एक बार अगर हमें इस क्वेश्चन में ये क्लिक कर जाए कि ये रोटेशन लग रहा है देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल तब तो सिंपल थोड़ा बहुत जोमेट्री है बस रोटेशन लगाने के बाद सो दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑन रोटेशन आई होप नाउ शुड बी fairly comfortable with rotation.